सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा में हम वर्णमाला के सातवें स्वर री की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। री की मात्रा अक्षर र पर प्रयोग में नहीं लाई जाती। जब हम र लिखते हैं तब री की मात्रा को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसके स्थान पर री का मूल रूप ही लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है ऋतु, तो ऋतु में री और त में छोटे उ की मात्रा। अब आप यहाँ नीचे चित्र देखेंगे। पहला चित्र है सर्दी की ऋतु, दूसरा चित्र है गर्मी की ऋतु, तीसरा चित्र है बरसात की ऋतु। तो यहाँ पे ऋतु में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? री। अब यहाँ पर हम शब्द बोलेंगे। मैम के साथ बोलिए, ऋतु, ऋषभ, ऋषभ मतलब बैल, ऋषि, ऋषि मुनि, कृषि, कृषि मतलब खेती, वृक्ष, व में री की मात्रा बन गया वृक्ष, क में री की मात्रा श क बन गया कृषक, क्री इसको बोलेंगे क्री, व्री वृक्ष में व्री। अब यहाँ पर इसको आप ट्रेस भी करेंगे। पेज नंबर 50 आप कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 51 पे आएंगे। यहाँ पे लिखा है चित्र का नाम लिखो। पहला चित्र किसका है? वृक्ष। दूसरा चित्र है कृषि। प्रश्न नंबर 2 पढ़ो। अब हमें यहाँ पर री वाले शब्द पढ़ने हैं। बोलिए, ऋचा, ऋतु, ऋषि, ऋषभ, वृक्ष, कृषि, कृषक। प्रश्न नंबर 3 सोच कर बताओ और लिखो। ये चित्र है ऋचा का और ये चित्र है ऋषभ का। ऋचा एक लड़की है, ऋषभ एक लड़का है। ऋषभ की बहन का नाम क्या है? आप यहाँ लिखेंगे ऋचा। ऋचा का भाई ऋषभ। कौन है भाई इसका? ऋषभ। क्या करता है? गाना गाता है। पेज नंबर 52। एक नाम और, मतलब ये जो चित्र दिए गए हैं इस पेज नंबर पे, उसमें आपको एक नाम और लिखना है चित्र का। और एक नाम और लिखने को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे ये है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष। ऋतु, ऋतु मतलब मौसम, ऋतु का दूसरा नाम कौन सा है? मौसम। बारिश, बारिश का दूसरा नाम है वर्षा। कृषक, कृषक का दूसरा नाम है किसान, जो खेती करता है। रवि, रवि का दूसरा नाम है सूरज। जल, जल का दूसरा नाम है नीर। इसी तरह से आप भी इस चैप्टर को पढ़ने का अभ्यास करिए, री की मात्रा पढ़िए और अपना कार्य पूरा करके 1B ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।